हेलो, नमस्कार अमरीश जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही शायद। माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? मेरा ये पिक्चर आ रहा है, हाँ जी, वीडियो आ रहा है आपका वीडियो जी। सो क्या हाल चाल आपके? ठीक हाँ ठीक है, चलिए। तो क्या डिस्कशन हुआ था निजाम जी से आपका, तो वो थोड़ा शॉर्ट में आप मुझे बता दें ताकि उसके आगे मैं डिस्कस कर पाऊँ आपसे। उनसे ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। जस्ट उन्होंने वही ये लिंक भेजा था, हमने लिंक भेजने का भी ये था, मैंने वही किए, मैं वही ये फेसबुक में देखकर इंटरेस्ट वही सेंड किया था, उसके वही रेफरेंस से आए थे। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप किसी के लिए? बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? ये इंश्योरेंस कंसल्टेंट है। अच्छा, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, तो वैसे समझाने जाना ही पड़ता है आपको हर जगह, है ना? बिजनेस की मैं बात करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा बिजनेस है और किस तरह से हम इसकी फ्रेंचाइजी देते हैं और क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या वेबसाइट है हमारी, कितने तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वेबसाइट में अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? हाँ स्क्रीन आ रहा स्क्रीन आ रहा है? तो ये 6 कैटेगरी में हमारे कोर्सेज डिवाइडेड हैं। ठीक है, है। मेजरली हमारे पास मेमोरी से रिलेटेड कोर्स हैं, एकेडमिक से रिलेटेड कोर्स हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्स है मेजरली। तो मेमोरी के कोर्स की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, जो हमारा एक निश पार्ट भी है और यूएसपी भी है। मेमोरी में हम दो तीन तरह से यूएसपी लेके चल रहे हैं जो मार्केट में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, पहली यूएसपी मैं बता देता हूँ आपको। पहली यूएसपी है मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। इससे सस्ता कोर्स आपको, इतना इतना बड़ा कोर्स इतना इससे सस्ते प्राइस में आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये चीज बच्चों को भी बता सकते हो, पेरेंट्स को भी बता सकते हो कि सबसे सस्ता, बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर है इंडिया में, बहुत लोग करा रहे हैं मेमोरी ट्रेनिंग, बट इससे सस्ती कोई नहीं करा रहा। ठीक है, तो मेमोरी ट्रेनिंग का हमारा जो कॉस्ट है, मेमोरी मास्टरी प्रोग्राम जो सेकंड कोर्स दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे 2100 रुपये से हो रहा है। ठीक है, 2100 रुपये में ये कोर्स आप बच्चा डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से, हमारे वेबसाइट से डाउनलोड, मतलब बाय कर सकता है, कोर्स बाय कर सकता है और यहाँ पे पढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, वही बाई करके क्या इसको ऑनलाइन में ही करना है या किसी इस ये कोर्स को ये करना है तो कैसे करेगा बच्चे लोग? इसी पे, इसी एप्लीकेशन पर या तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेगा वो प्ले स्टोर से, वहां पे पढ़ लेगा, या फिर वेबसाइट पे जाएगा और वेबसाइट पर जैसे ही कोर्स बाय होगा ना, यहाँ पे उनको हाँ बच्चा पूरा कोर्स यहाँ पे ही देख सकता है वीडियो के माध्यम से। रिकॉर्डेड वो देखकर अनली कोर्स है, हाँ रिकॉर्डेड कोर्स है ये। एक हाँ, लाइव रिकॉर्डेड सेगमेंट अलग है, वेल उसको मैं अलग से ये करूंगा। एबाकस जो है ना, एबाकस ये जो है जस्ट लाइक ये ऐसा ही तो कुछ। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। एबेकस क्या करता है, इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करता है। बच्चे की इमेजिनेशन पावर के थ्रू वो कैलकुलेट करना सीखते हैं, है ना? उसमें बीट्स होती है ना, बीट्स के शेप को समझ करके उसकी एक इमेजिनेशन पहले सेट की जाती है उनके फर्स्ट सेकंड लेवल में, कि उनकी बीट्स का शेप कैसा है और इसकी शेप से आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो बीट्स के शेप से इमेजिन करता है स्टूडेंट और आगे कैलकुलेट कर पाता है हर चीज को बहुत आसानी से। यहाँ पे क्या होता है, हम लॉजिकल ब्रेन को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। हम इसमें ये चीज बताते हैं कि पहले तो आप इमेजिन करो किसी चीज को और फिर अपने लॉजिकल माइंड से उसको प्रूव करो कि हाँ वो आपको दिखाई दे रहा है, कि ये हाँ हो सकता है। मानना पड़ेगा पहले कि हो सकता है ना, अपनी खुद की स्टोरी बना के। तो दोनों ब्रेन का एक सिमुलेशन इसमें काम करता है और जिससे कि बच्चों की याददाश्त अपने आप में तेज हो जाती है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अभी मैं न्यूमोनिक साइंस पे आया नहीं हूँ, पहले एप्लीकेशन बता दूं आपको। न्यूमोनिक साइंस बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको पूरी तरह से मैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अबाकस में तो हर मतलब वो सेंटर में जाकर आदमी लोग सीख रहा है, बच्चे लोग ऐसा कुछ है क्या? सेंटर में जाके
हाँ ऐसा प्लान भी है ना अपने पास। देखो ये तो मैं अभी आपको ऑनलाइन वाला सेगमेंट बता रहा हूँ, ऑनलाइन में हमारे पास क्या है। अब ऑफलाइन में आप क्या क्या कर सकते हो वो आगे आएगा, उसको एज ए ट्रेनर कहते हैं हम, कि हम आपको पूरा कंसल्टेंसी दे करके, समझा करके, ट्रेंड करके मेमोरी ट्रेनिंग्स पे आपको भेजा घर पे, और आपने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया और संडे टू संडे पढ़ाया, चाहे इंस्टीट्यूट खुद का ओपन करो, चाहे आप किसी से संडे को, जैसे मोस्टली जो इंस्टीट्यूट होते हैं उस पर छुट्टियां होती है, वहां पे आपने उनसे बात कर ली कि मैं संडे को सिर्फ 2 घंटे आपके यहाँ पे इस पूरे सेटअप को यूज करूंगा, मेरे स्टूडेंट आएंगे और यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन कर सकते हैं, और उसमें जो भी फीस होती है उसमें कोई रॉयल्टी नहीं है। एबेकस वाले रॉयल्टी लेते हैं, वैदिक मैथ्स वाले रॉयल्टी लेते हैं, बट हम न्यूमोनिक साइंस सिखाने के बाद आपसे किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो सारा पैसा आपका है। आप अगर हमारे कोर्स के थ्रू पढ़वाते हो या हमसे पढ़वाते हो, तो उसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। ठीक आगे चलते हैं अपन। एक तो अपना न्यूमोनिक साइंस एक अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है, याद करने के तरीके सिखाने का एक साइंस है ये, जो कि कोई नहीं करवाता। बच्चों को चीजें याद हो जाती है, मतलब ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर जिन्होंने न्यूमोनिक साइंस सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उन्हें सारी चीजें याद रहने लगी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं कि आज बच्चे ने ये चीज याद कर ली, आज बच्चे ने ये चीज याद कर ली, कुछ डेमो पर वीडियोज बना के भेजते हैं कुछ पेरेंट्स, तो अलग अलग तरह की चीजें हमारे पास होती रहती है, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या किया है कि बहुत सारे बच्चे खुद से अप्लाई नहीं कर पाते मेथड्स को, तो उसको चाहिए होती गाइडेंस। तो गाइडेंस कौन कौन कर सकता है जिनको ये मेथड्स आते होंगे, तो कंपनी गाइडेंस के लिए तैयार रहती है कि गाइडेंस आपको रेगुलरली हम देते रहेंगे। आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए तो वो मिल सकता है। आपको एकेडमिक से रिलेटेड कुछ कोर्स चाहिए जिसमें मेमोरी साइंस अप्लाई किया हुआ हो तो वो मिल सकता है। जैसे हमारे पास शुरू कर दिया है हमने, या आज की डेट में इंडिया में और कोई नहीं कर रहा है, सब मेथड सिखाते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, बेटा खुद से अप्लाई करो मेथड और याद करो चीजों को, ठीक है। अपन ने शुरू कर दिया एडवांस मेमोरी मेथड के नाम से, दीपक सर का एक कोर्स है जिसमें जितने मेथड सिखाए जा रहे हैं उसके दो दो और एग्जाम्पल इन्होंने एक कोर्स बना के डाल दिया, तो जिससे कि मेथड की प्रैक्टिस और बेटर हो पाएगी बच्चों की, ठीक है। इस पे आगे मैं बात करूं जीके न्यूमोनिक्स, इस पे 23 वीडियोज हैं जिसमें हमने सारे जीके से रिलेटेड और मल्टीपल एग्जाम्पल डाल दिए हैं, जो कंटेंट बच्चों को याद तो करना ही होता है, तो इससे इसके थ्रू याद करना चाहेगा तो कर सकता है बच्चा कभी भी याद, ठीक है। एक हमने कोर्स यहाँ पे फ्री डाल रखा है, यहाँ पे तो प्राइस शो हो रहा है बट ये कोर्स एक्चुअल में फ्री है फॉर प्रमोशन। आप इस कोर्स को दिखा करके बाकी सारे कोर्सेस सेल कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग वाला हमसे दीपक सर का एक कोर्स है न्यूमोनिक साइंस का, तो ये 500 रुपये यहाँ पे शो रहा है, बट जब फ्रेंचाइजी ले लेता है ना कोई भी पर्सन, तो उनको एक कोड मिलता है, तो कोड के थ्रू जब ये बाय किया जाएगा तो ये फ्री होगा कोर्स, ठीक है। एक अपने पास एनिमेटेड, जैसे छोटे बच्चों को अपन सिखाने बैठ रहे हैं और बच्चों का बजट नहीं है नवीन सर का कोर्स लेने का, तो हमारे पास 900 रुपये का एक कोर्स है। अब यहाँ पे प्राइजिंग का भी मैं एक ट्विस्ट बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली बच्चा ले लेगा भाई, फिर आपका क्या रोल बीच में फ्रेंचाइजी का, तो वो उसका भी एक तरीका बताऊंगा मैं, क्या होता है, क्या किया है हमने ऐसा कि आपसे ही बच्चा लेना चाहेगा। 9th क्लास के बायो के डायग्राम अगर किसी को याद करना है, क्योंकि 9th क्लास सब पढ़ेंगे, सबके बायो बायो का सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, डायग्राम आएंगे ही आएंगे, तो वो सारे चीजें अगर याद करनी है, सारे डायग्राम बच्चे को याद करने हैं क्लास वाइज, तो 9th और 10th का हमने एक कोर्स बना दिया है। 9th क्लास के सारे बायो के डायग्राम इसमें कवर अप कर दिए हैं और याद भी करवा दिए हैं इमेजिनेशन के थ्रू। इसमें 10th क्लास के सारे बायो के डायग्राम कवर कर दिए हैं और याद भी करवा दिए हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश में मेमोरी मेथड सीखना चाह रहा है तो मैजिकल मेमोरी करके एक कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में न्यूमोनिक साइंस सिखाता है। कोई गुजराती लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो गुजराती लैंग्वेज में सीख सकता है। कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो बंगाली लैंग्वेज में सीख सकता है। तो मल्टीपल लैंग्वेज एडवांटेज भी हमारे पास है, ठीक है। इंग्लिश में कंप्लीट कोई सीखना चाह रहा है, वहां पे ऊपर जो सर थे इनका तो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, सिर्फ न्यूमोनिक साइंस के बारे में पहचान सकता है कोई पर्सन इसको देख करके, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट न्यूमोनिक साइंस इंग्लिश में सीखना है तो मैडम का कोर्स है, हिना दुलानी मैम है। दूसरा अगर एक सिंधी, आप जानते होंगे आपके शहर में सिंधी भी होंगे, सिंधी कम्युनिटी होगी एक, वो सिंधी में बात करते हैं, शायद मैंने नोटिस नहीं किया, ओके। कम्युनिटी नोटिस में पूरे इंडिया में फैली हुई है सर,
सिंधी में बात करते हैं, जैसे अजमेर हमारा जो शहर है वहां पे है, अहमदाबाद के जो ये खुद ट्रेनर है ये सिंधी है, अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद में बहुत सारे सिंधी है, तो ये कि वेस्ट जोन में हो शायद, तो सिंधी कम्युनिटी है, अगर वो खुद से मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं सिंधी लैंग्वेज में, तो अगर उन तक अपन जाते हैं कहीं ना कहीं उनसे बात करने पहुंचते हैं, तो एक एडवांटेज रहेगा, ये कोर्स भी आप उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन तरह की चीजें आ गई, मेमोरी प्लस एकेडमिक्स हमने शुरू कर दिया है, मेमोरी के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हम काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और मोस्ट अफोर्डेबल रखा है सर सब चीजों को। एक इस कोर्स को 1400 रुपये, सॉरी अब इसमें ट्विस्ट जो था प्राइस को लेकर के उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको प्राइस क्या दिख रहा है, 2999 दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 21 सॉरी 2099, मतलब 2100 रुपये। अब यहाँ पे जो भी आपको प्राइस दिख रहा है ना, ये एक बढ़ा हुआ प्राइस हमने शोइंग प्राइस नाम से एक रखा हुआ है हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में, इस प्राइस को हम कहते हैं शोइंग प्राइस, सिर्फ दिखाने का नाम, ठीक है। आपसे अगर बच्चा स्टूडेंट कोई भी कोर्स बाय करेगा तो आप उसको एक डिस्काउंट दोगे, वो फिक्स डिस्काउंट है हर कोर्स पे, एक ही परसेंटेज बोलूंगा, 33.33%, मतलब दो तिहाई रेट हो जाएगी इसकी, एक तिहाई डिस्काउंट हो गया, बाकी जो दो तिहाई अमाउंट बचा है वो उस पे स्टूडेंट वो कोर्स ले लेगा। जैसे मान लेते हैं 1000 100 रुपये का कोर्स है, तो 150 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया, आपको 100 में बेचना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हर कोर्स पे यही चीज है, जैसे ये 3000 का है तो 2000 में सेल होगा, 2100 का है तो 1400 रुपये में सेल होगा, ये 1500 शो हो रहा है तो 1000 रुपये में सेल होगा, ये 800 900 शो हो रहा है तो 600 रुपये में सेल होगा, ये 500 है तो फ्री वाला मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1500 है तो 1000 रुपये में सेल होगा, ऐसे करके सभी की 33% ऑफ कर देंगे और उस प्राइस में इस कोर्सेज को सेल करें, राइट। अभी अपन ने एक लेवल देखा है, एक कैटेगरी देखी है, अब दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास एकेडमिक से रिलेटेड कोर्स है, जैसे 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी है किसी को, तो खुशबू मैम का एक कोर्स है, तो 7th क्लास की ज्योग्राफी एक मिनिमम प्राइस पे स्टूडेंट हमसे सीख सकता है, 100 रुपये लगेंगे उसके, और 100 रुपये में उसकी ज्योग्राफी की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। 9th क्लास की फिजिक्स कोई सीखना चाहता है तो इसकी जो फीस है वो 2250 रुपये है, तो 2250 का अगर मैं 1/3 करता हूँ तो 1500 का ये कोर्स पड़ेगा उसे, ठीक। और अपने पास फिर केजी से लेके 12th तक का एनिमेटेड कंटेंट है पूरा, तो आप सभी का अलग अलग प्राइसिंग है, सभी 1.5 गुना प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं अपन, अब आप बात कर रहे थे अबैकस वैदिक मैथ्स समथिंग उन सब चीजों की ना, तो अपने पास अबैकस वैदिक मैथ्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, की ऑफ सक्सेस हो गया, ये भी मोटिवेशनल कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश ग्रामर अगर कोई सीखना चाहता है तो एनिमेटेड फॉर्म में ये वो इंग्लिश ग्रामर के कोर्स अवेलेबल है, वैदिक मैथ्स कोई सीखना चाहता है तो वैदिक मैथ्स अपने पास मात्र 1800 रुपये में अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1800 शो रहा है तो 1200 में ही आपको मिलेगा, ठीक है। वैदिक मैथ्स अगर ये कोई करना चाहता है, ये एक्सपर्ट ट्रेनर है, इंटरनेशनल ट्रेनर है, ये सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ी हुई, तो इनका अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो 2400 लिखा है तो 2400 का ये 1600 का पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेशन का ये कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो ये 3150 लिखा है तो 2100 रुपये का ये कोर्स पड़ेगा आप, ठीक है। वैदिक मैथ्स कोई इंग्लिश में सीखना चाहता है, इसके 4 लेवल में डिवाइडेड किया हुआ है, गोवा की एक एक्सपर्ट ट्रेनर है ये, और इन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और बच्चों को काफी ट्रेंड किया है, तो 4 लेवल में ही डिवाइडेड है, हर लेवल का यहाँ पे जो फीस है वो 1500 1500 रुपये शो रहा है, 1000 1000 रुपये में ही सेल होगा। अबैकस हिंदी में सीखना है आपको तो रेखा मैम का कोर्स अवेलेबल है अपने पास, जो कि 750 रुपये शो हो रहा है, 500 रुपये में ये कोर्स लेवल 1 लिया जा सकता है, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोर्स है अपने पास, तो ये सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और रेगुलरली हमारे से जैसे जैसे टीचर टाइप होते जा रहे हैं उनके कोर्स हम इस पे अपलोड करते जा रहे हैं, जो जैसे नेक्स्ट हो गया अपना जीके विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री विथ न्यूमोनिक्स, वो कोर्स अभी रनिंग में चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो हिस्ट्री बहुत एक सभी लोगों का टेंशन में रहता है कि याद नहीं होता, सबको रट्टा ही मारना पड़ता है, तो मेमोरी से ट्रेनिंग सीखने के बाद में
हिस्ट्री का सब्जेक्ट हर कोई लेना चाहे, और उसमें हम गारंटी लेंगे कि हर चीज आपको याद होगी, और ऊपर भी जितने अपने मेमोरी से रिलेटेड कोर्स देखे थे ना, इन सब चीजों में हमारी गारंटी रहती है पूरी कि आपको चीजें 100% याद होगी ही होगी। जैसे ये कोर्स बनाया जीके न्यूमोनिक्स, अगर इन कोर्स को हमारे बताए हुए तरीके से उन्होंने देखा, सिर्फ देखना है कोर्स को, आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, ध्यान से देखना है चीजों को, जो जो आप बताया जा रहा है उसको बस नोट करते जाना है स्टूडेंट को, तो कंप्लीट वो सारी चीजें याद हो जाएगी बच्चे को। सेकेंडली आ जाते हैं कि बायो डायग्राम वाला, इस पे भी पूरी गारंटी रहती है, सर पर्सनली भी सपोर्ट करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे वो चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जुड़ सकता है, 9th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट को इजीली समझा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज में अपने पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसकी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बैठे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे बिजनेस पे, अपने वापस बिजनेस की बात करने के लिए। यहाँ पे समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ, यूएसपी मैंने तीनों बता दिया आपको, और इसमें जो एक लूप था, जैसे 1.5 गुना प्राइस रखा गया है और 33% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा स्टूडेंट को, वो चीज मैंने वहां पे क्लियर कर दी। ठीक है, बेसिक जो हमारे वेबिनार पीपीटी चलती है वो आपको दिखा देता हूँ। ये नवीन अग्रवाल सर हैं जो कि मेमोरी एक्सपर्ट हैं, और यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इनके गाइडेंस में हम न्यूमोनिक साइंस की क्लासेस देते हैं, जो भी ट्रेनर हैं उनको इन्होंने ट्रेन किया है, देन वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। नंबर डेमो एक कैलेंडर डेमो हमारा एक अट्रैक्टिव डेमो है, जो कि हर कोई बच्चा करना चाहता है, हर कोई ट्रेनर भी करना चाहता है, तो ये चीज हम सिखाते भी हैं और यहाँ पे वेबिनार में करके दिखाते हैं। जैसे आप कोई भी बर्थ डेट बोलोगे, आपकी बर्थ डेट बोली, तो हैंड टू हैंड सर डे आपको बता देंगे उस दिन उस तारीख को क्या दिन था, विद इन सेकेंड, 2-3 सेकेंड्स में, है ना। टैक्सवे के बारे में बात करूं तो टैक्सवे हमारी जो पेरेंटल कंपनी है वो टैक्सवे ग्रुप ऑफ इंडिया है। ठीक है, टैक्सवे ग्रुप ऑफ इंडिया 2002 से इंडिया में काम कर रही है और टैक्सेशन के रिगार्डिंग काम करती है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है। ERI कंपनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड मिला हुआ है, राजस्थान गौरव अवार्ड मिला हुआ है, और इंटरनेशनल ISIN नंबर हर किसी कंपनी को नहीं मिलता है, तो हमारे टैक्सवे ग्रुप का ISIN नंबर भी अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। 20 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइजी मार्केट में, 3 साल से हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं, 12,000+ फ्रेंचाइजी आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में हमारी रन कर रही है, टैक्सेशन और एजुकेशन सभी की मिला करके। 15 अलग तरह के बिजनेस में हम डील करते हैं, 15 से ज्यादा अलग तरह के बिजनेस में डील करते हैं। नेशनल पार्टनर है हम UTI और NSDL के। NSDL आप जानते होंगे, पैन सेंटर होता है, NSDL और UTI पैन कार्ड बनाने का काम, नेशनल पार्टनर है हम उनके, तो हम ये चीजें मतलब इसके सेंटर भी देते हैं, UTI का सेंटर हो गया, NSDL का सेंटर हो गया, तो ये लोग ले सकते हैं हमसे। टैक्स कंसल्टेंट्स कंपनी है सब इंडिया की सबसे बड़ी। ये हमारे जो फाउंडर हैं इस टैक्सवे ग्रुप के, जो लीड करते हैं सारे 15 बिजनेसेस को और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मिस्टर निरंजन महावर, इनका खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो ये कंपनी चला रहे हैं, तो अभी तक चल रही है तो आगे भी रेगुलर रहेगी और बड़े लेवल पर चल रही है सारी चीजें। ये सारे बिजनेसेस में हम डील करते हैं, इसमें टैक्सेशन आपको दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, फाइनेंस में आप भी काम करते हैं तो आप भी जानते होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं सॉरी आप, तो फाइनेंस में भी हम काम करते हैं। टैक्सवे टाइम्स हमारा खुद का न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, एजुकेशन है, फैशन है, आईटी कंपनी खुद की है, तो हमें कहीं आउटसोर्सिंग करने की जरूरत नहीं होती कोई भी चीज़। जैसे एप्लीकेशन बनानी थी बैगलेस की, तो हमारी आईटी टीम ने ही डेवलप किया सब कुछ, तो कभी भी कुछ भी चेंजेस होने होते हैं तो हम हमारे यहाँ से ही सारी चीज़ें करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही रेगुलर हम चीज़ें करते रहते हैं। बैगलेस इंडिया के जो जो मेन हेड हैं वो हम तीन हैं, नरेंद्र सर हैं, ये मैं हूँ अंकुश वर्मा आपके सामने, दीपक कुमार जी हैं जो सेल्स को थोड़ा सा मोटिवेट करके चलते हैं, और प्लस मेमोरी ट्रेनर भी हैं जो जिन्होंने कोर्स बनाए हैं कुछ। ये हमारा कैंपस है जहाँ पे अगर आप अजमेर आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए तो इस तरह का कैंपस आपको मिलता है जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, और आप अगर चाहें तो अभी निजाम जी को बोलिएगा, आपको वीडियो कॉल पे पूरा कैंपस आपको दिखा देंगे। इस तरह के रूम्स वगैरह हैं हमारे पास, सेलिब्रिटीज मतलब कुछ फंक्शन वगैरह हम करते हैं तो सेलिब्रिटीज आते रहते हैं अजमेर।
है, अब बात करते हैं न्यूमोनिक साइंस की। न्यूमोनिक साइंस क्या होता है सर? न्यूमोनिक साइंस पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, ये जो चार पिलर होते हैं एजुकेशन के, उसमें से जो लास्ट पिलर है मेमोराइजेशन, उस पर काम करता है। बच्चे को पढ़ना स्कूल में सिखा दिया जाता है, लाइफ में वो कभी नहीं भूलता पढ़ना। आप जब तक मरते दम तक पढ़ सकते हो कोई भी चीज आपके सामने आती है तो। लिखने की अगर चीज मैं बात करूं तो बचपन में लिखना इतना अच्छे से सिखा दिया बच्चों को कि वो लिख सकता है जब तक हाथ चल रहा है उनका। अंडरस्टैंड कराने के लिए हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट टीचर है। कोई भी अगर समझाने वाला पर्सन हमें मिल जाता है तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है। बट आज तक किसी भी स्टूडेंट को, मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से, कि ऐसा कोई पर्सन मिला हो जो याद करवाने में हेल्प करता हो। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पिच आपकी भी यही रहेगी अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो। आप आगे बताने के लिए अगर जाओगे तो यही चीजें आपको एक प्रैक्टिकल वे में प्रूव करवाएगी कि हाँ, ऐसा कोई पर्सन आज तक मिला ही नहीं जो बच्चों को याद करवा रहा हो। टीचर बोलते हैं बेटा घर से याद करके आना, और घर पे मम्मी पापा से पूछा जाए तो बेटा दोहरा दोहरा के लिख लिख करके याद करो और याद हो जाएगा। ये सबसे एक स्लो मेथड है किसी भी चीज को याद करने का। अगर कोई ट्रेनर, कोई टीचर ये समझाने वाला मिल जाए कि याद कैसे करते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो बच्चों का आधे से ज्यादा जो बर्डन है, प्रॉब्लम है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका एक पर्सनल एग्जांपल भी बताऊंगा एंड में आपको कि मेरे को कहाँ फील हुआ कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में। ठीक है, ये हमारे मेथड्स हैं। टोटल 14 तरह के मेथड्स हैं जो कि अलग अलग तरह के कंटेंट को याद करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें सारा एजुकेशन इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा कवर अप हो जाएगा 14 के 14 मेथड्स। ठीक है, और इनमें कंफ्यूजन कैसे ना क्रिएट हो, ये भी एक तरह का मेथड है जो हमारी ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं। यूएसपी मैंने आपको बता दी, लोएस्ट प्राइस अक्रॉस इंडिया, मतलब इस मेमोरी ट्रेनिंग का सबसे कम प्राइस 1 साल के कोर्स का आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वर्कशॉप मिलेगी 200, 300, 400, 500 रुपए की वर्कशॉप बहुत सारे लोग करा रहे हैं और पूरे इंडिया में करा रहे हैं, बच्चों को भी मिल जाएगा। बट आप गारंटी ले सकते हो 1 साल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम 52 क्लासेस देते हैं, इसमें वीडियोस मिल के माध्यम से 1 साल तक इसकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो इससे अच्छा कोर्स आपको ऑल ओवर इंडिया में इस प्राइस से कम दाम में कहीं नहीं मिलेगा। वो भी 200 रुपए की जो वर्कशॉप लेते हैं, उसमें तीसरे दिन पे एंड में यही बोलते हैं कि हमारा 5,000 का कोर्स है, 10,000 का कोर्स है, आप पूरा कंप्लीट कोर्स अगर करना है तो 5,000 का पैकेज या 10,000 का पैकेज लीजिए तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली कोर्स दे रहे हैं, बच्चा सेल्फ लर्न करके सारी चीजें अप्लाई कर सकता है। एक डेमो हम यहाँ पे और करते हैं जिसमें नंबर डेमो कहा जाता है। आप ही लोग जैसे वेबिनार में बैठे हो या सेमिनार में बैठे हो, कई बार अगर सेमिनार होता है तो वहां पे ही बैठे लोग कुछ नंबर लिखवाते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल के एंड के 2 डिजिट हो सकते हैं या फिर कोई भी रैंडम डिजिट हो सकते हैं, तो सबसे दो दो डिजिट पूछी जाती है। तो 50 नंबर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं सर विद इन, मतलब तुरंत, और प्रोग्राम के एंड में वापस इसे दोहरा के बताते हैं सीधा और उल्टा। तो मतलब ये चीजें चंद सेकेंड्स में सर ने जब बोली जा रही है तभी याद कर ली, और वो उन्हें तब इस तरह से याद हो गई कि वो सीधा भी सुना पा रहे हैं इस चीज को और उल्टा भी सुना पा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे अगर पूछोगे क्या था तो वापस भी सुना देंगे। तो इस तरह से चीजें याद हो जाती है। तो ये नंबर सबसे डिफिकल्ट चीज मानी गई है याद करना, क्योंकि नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता। 7 is 7, उसका कोई और मीनिंग नहीं है आपकी नजर में। अगर 7 बोल रहा हूं मैं, अगर आपको बोलूंगा हेलीकॉप्टर तो आपके दिमाग में हेलीकॉप्टर की इमेज आ जाएगी, बट अगर मैं 7 बोलूंगा तो उसके दिमाग आपके दिमाग में 7 लिखा हुआ ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ हाँ ना? तो ये चीजें इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं पूरी तरह से, एसोसिएट करके हम चीजों को याद करना सिखाते हैं। हमारा मिशन है सारे इंडिया के सारे बच्चों को ऐसे मेथड सिखाना जिससे उन्हें लंबे समय तक याद रह सके, क्योंकि अगर मेथड अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली लंबे समय तक याद रहेगा और सही समय पे याद आ जाए। क्योंकि अगर याद किया और एग्जाम टाइम में जब इसकी जरूरत है, किसी ने पूछा, अगर उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या हिंट छोड़ा जाए, क्वेश्चन में क्या हिंट छोड़ा जाए, क्या ऐसा वर्ड पकड़ा जाए जिससे कि वो वर्ड आते ही हमें सारा आंसर याद हो जाए, याद आ जाए वापस। ठीक है, विजन है हमारा, देखो 42 करोड़ बच्चे हैं और रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। तो 42 करोड़ अगर बच्चे हैं हमारे पास इंडिया में, तो 2025 तक हमारे को सिर्फ 5 करोड़ बच्चों तक
अगर ये पहुंचा पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। सबसे इम्पोर्टेंट अभी टारगेट ये लेके चल रहे हैं। बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंचाइजी क्या होती है? ट्राइड एंड टेस्टेड वर्क है सर, सिंपल सी बात है कि आप एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो एक मार्केट में बहुत बड़ा खर्चा है, उसको मार्केट करने का खर्चा, उसमें सेल्स लाने का खर्चा, सब कुछ बहुत बड़े बड़े खर्चे अगर कंपाइल करके आपको दे दिए जाए तो उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। मार्केट कभी खत्म नहीं होगा आपका, इस चीज की गारंटी यहाँ पे प्रूव होती है कि रोज यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी अभी कुछ दिनों पहले कि इंडिया में जो पर डे बर्थ रेशो है, बर्थ रेट है इंडिया का, वो करीब 65,797 मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं डेली। मैं तो 50,000 ही मान के चलता हूँ, तो 50,000 के हिसाब से भी अगर 365 दिन है तो लगा लीजिए कि एक साल में क्या पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बहुत एक हाई रेट पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो मार्केट कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये 10 साल बाद आपसे रोजाना 50,000 बच्चे नए होंगे जो कि आपका कोर्स लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अगर 10 साल पहले की बात करें तो 10,000 तो बर्थ रेट होगी पर डे की, तो 10,000 के हिसाब से लगाया जाए तो आपके पास बहुत सारी ऑडियंस अवेलेबल है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ वीडियो बंद हो गया था शायद आपका। बड़ा है। हाँ बात दिख रहा है। सो वर्किंग है हमारी B2C, दो तरह से काम करते हैं हम। एज अ ट्रेनर बनकर आप बच्चों को सिखा सकते हो, हम आपको ट्रेन करेंगे, मेथड सिखाएंगे, सारी चीजें आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको सेल करने का काम कर सकते हो, जो कि मैं प्लेटफॉर्म आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तो सारी बातें लगभग अपनी हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा और हम क्या देंगे उन्हें? डिस्ट्रीब्यूटर का काम होगा हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे होंगे वो सारे आप सेल कर सकते हो, और बहुत जल्दी हम लाइव कोर्सेज भी लाने वाले हैं, तो बहुत तेजी से ये कोर्सेज बढ़ने वाले हैं। तो लाइव आपको सेल्स और मार्केटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी जो कि वीकली रहेगी। आप हर वीक एक ना एक ट्रेनिंग आपकी रहेगी जिसमें आप ये सीखोगे कि कैसे इसको मार्केट किया जाए। 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग रहेगी अजमेर में, जिसके लिए आपको अजमेर आना है। अजमेर में हम आपको जो रहना खाना और पिक एंड ड्रॉप के फैसिलिटी है वो इसके अंदर इंक्लूड ही दे रहे हैं। जो हमारा प्लान होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। 1 पर्सन ट्रेनिंग के लिए आ सकता है, आप अकेले आ सकते हैं। अगर कोई पर्सन एड ऑन होता है, अगर 2 पर्सन को लेके आते हो तो दूसरा दूसरे का रहना खाना पेड रहेगा, बट ट्रेनिंग उसको फ्री मिल सकती है। ठीक है, ऑनलाइन एक मैनेजमेंट पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू आप कोर्स सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपके थ्रू सेल किया गया एक मतलब आपको एक कोड मिलेगा स्पेसिफिक, उसके थ्रू आप सारी चीजें मैनेज करोगे। आपके अंडर में कितने स्टूडेंट आ चुके हैं, कितने स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ लिया है, कितने कौन सा कोर्स लिया है, वो सारी चीजें आपको आपके मैनेजमेंट कोर्स पोर्टल से पता चलेगी। मार्केटिंग और इमेजेस और वीडियोस अपने पास रेगुलरली आते रहेंगे। डेली सुबह मॉर्निंग इमेजेस आ जाएगी आपके पास, प्रमोशनल इमेजेस आ जाएगी, इवनिंग इमेज आ जाएगी, तो आप डेली नई नई इमेजेस आपको मिलती रहेगी जिसको आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हो। आपको सर्टिफाइड किया जाएगा एज ए मेमरी साइंस डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा अपन आ जाते हैं, आपको हमारी तरफ से प्रमोशन के लिए वेबिनार्स भी दिए जाएंगे। हेलो, हेलो। दिए जाएंगे आपको। ठीक है, आप और बस एक बार हाँ और एक बार और रिपीट कीजिए इसको। हाँ लाइव ट्रेनिंग हो गया, लाइव में सेल्स हाँ मार्केटिंग हाँ की हो रेगुलर गया। ट्रेनिंग मिलती रहती है। ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, 2 दिन ऑफलाइन भी हो गया। में हाँ 1 पर्सन को मिलेगी फ्री, और अगर और पर्सन आते हैं तो उनका रहना खाना पेड रहता है। ठीक है, सेकेंड कितना हो गया हो सकता है रहने और खाने के लिए 2 दिन का, जो अप्रोक्स? 2 दिन अगर रहते हैं तो लगभग 5,000 का खर्चा आता है। ओके ठीक है, ठीक है। उसमें रहना खाना पिक एंड ड्रॉप सब कुछ आ गया। ठीक, ऑनलाइन मैनेजमेंट पोर्टल मिलेगा जहां से आप सारी चीजें मैनेज करोगे, कैसे आपने कोर्स बाय किया, कितने बच्चों ने कोर्स लिया, कौन सा कोर्स लिया किस स्टूडेंट ने, वो सारा आपको मैनेजमेंट पोर्टल से पता चलेगा। डेली आपको मार्केटिंग के लिए इमेजेस या वीडियोस आपके पास मिलते रहेंगे जिसमें आप जिसे आप सेंड कर सकते हो और अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। मेमोरी साइंस का ऑथराइज सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, मेमोरी साइंस डिस्ट्रीब्यूटर का।
और आपको वेबिनार्स मिलते रहेंगे रेगुलरली ऑनलाइन, पब्लिक स्टूडेंट वेबिनार, जिसमें आप समझाने के बाद बच्चों को मोर कन्वेंशन के लिए, मतलब अगर कन्वेंस नहीं होते हैं, वैसे तो अपन सेल करके आएंगे कोर्स, पेरेंट्स को दिखाने के बाद पेरेंट्स ले लेंगे, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है कि कोई बच्चा लेगा नहीं, कोई पेरेंट्स लेंगे नहीं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हो कि नवीन सर आपके बिहाफ पे बच्चों को समझा दें हार्मोनिक साइंस क्या होता है और उनको कुछ डेमो दिखा दें, तो आप हमारे जो वेबिनार्स होते रहते हैं उसमें बच्चों को बिठा सकते हो, तो वहां से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी बच्चों को और पेरेंट्स को बिठाएं। देखो जब तक पेरेंट्स नहीं बैठेंगे तो डिसीजन उनको ही लेना है, उसका पैसा उन्हें ही पे करना है, तो बच्चा तो डिसीजन लेगा नहीं, पेरेंट्स लेंगे, पेरेंट्स को कन्वेंशन होना चाहिए, कन्वेंस होने चाहिए। आपका जो कमीशन रहेगा इस पे 50% तक का मार्जिन आपके पास रहता है, 40 से 50% तक का, अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है। तो आप कंपनी के जो खुद के कोर्स होते हैं जो खुद बनाती है कंपनी, उस पर डायरेक्टली हम 50% का मार्जिन लेते हैं। हम टीचर्स को भी पार्टनर करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो वो कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो उस पर थोड़ा परसेंटेज कम रहता है। अब बात करते हैं अपने फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी का हमारा जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है। उसमें आपको 25,000 का रिवॉर्ड बैलेंस भी मिल जाएगा। रिवॉर्ड बैलेंस की कहानी मैं समझा देता हूँ। रिवॉर्ड बैलेंस क्या होता है? आपका जो कमीशन है कंपनी के ओन प्रोडक्ट्स पे वो 50% है, ठीक है। अगर 1,000 रुपये का कोर्स है तो आपको मुझे कितना देना है? बस 500 रुपये देना है। बट अगर आपके पास रिवॉर्ड बैलेंस अवेलेबल है, हमारे आपका जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा उसमें दो तरह के बैलेंस होंगे, रिवॉर्ड बैलेंस भी है, तो 250 रुपये मैं रिवॉर्ड बैलेंस से लूंगा और 250 रुपये आपसे लूंगा। रिवॉर्ड बैलेंस मैंने आपको ऐसे गिफ्ट अमाउंट दिया है, तो पहले मैं 250 वहां से लूंगा और 250 आपसे लूंगा, इनमें इनिशियली जब तक रिवॉर्ड बैलेंस अवेलेबल है। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपको अपनी जेब से सिर्फ 25% अमाउंट ही देना पड़ेगा कोर्स का, ठीक है। तो जब तक रिवॉर्ड बैलेंस अवेलेबल है तो 75% के पार्टनर हो गए आप, ताकि आपका ब्रेक इवन जल्दी से जल्दी आ सके। अब एक आरओआई पे बात कर लेते हैं। अगर 10 लाख आपको कमाना है साल का, तो आप कैसे कमा सकते हो? 10 स्कूल, मतलब आपके शहर में 100 स्कूल्स होंगी, आप गए बात करने, तो साल भर में 100 स्कूल के पास जाना है आपको, 10 कन्वेंस हो जाएगी डेफिनेटली। 10% का रेशियो चलता है, 10 आपको बोल देंगे कि आओ प्रोग्राम करो और हमें बताओ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी आपसे लाइनअप में चलेगी तो नेक्स्ट ईयर अपन उनको बात कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं पिछला एग्जाम्पल देके, ठीक है। 10 स्कूल आपको यस बोलेगी, जिसमें हम मान के चलते हैं अपन 200 स्टूडेंट ही हमारे पास रेडी हुए। 200 स्टूडेंट को हमने एवरेज 1,000 रुपए के कोर्स के हिसाब से, क्योंकि सस्ते कोर्स भी हैं, हो सकता है सस्ता कोर्स ले बच्चे, हो सकता है कुछ महंगा कोर्स ले, तो 1,000 रुपए का एक एवरेज मान लिया अपन ने कोर्स प्राइस का। तो 2,000 स्टूडेंट हमारे पास आ गए और उन्होंने सबने 1,000 रुपए के एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग पे किया है, तो 20 लाख का बिजनेस होता है। 20 लाख के बिजनेस पे 50% मार्जिन के हिसाब से 10 लाख का कमीशन आपका बन जाता है। 2,000 स्टूडेंट अगर आप रेडी कर देते हैं 1,000 रुपए के कोर्स के हिसाब से, तो आप 10 लाख तक की एक बड़ी इनकम कमा सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन अब सबकी रहती है कि लगाया कितना है और कमा मैं कितना सकता हूँ, वो चीज मुझे क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर 10 लाख इतना बड़ा नहीं कमा पाएंगे तो आप भी काम करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बहुत ही छोटी, जो लगाया वो पैसा है, सबसे पहले वो कैसे बाहर आएगा वो बता दो सर मेरे को। तो आप बोलते हो कि मेरे को सिर्फ वो बताओ आपकी, मैंने 25,000 लगाया है तो 25,000 मैं कैसे निकालूंगा, और कितने बच्चे चाहिए आपको उससे 25,000 निकल जाए? तो 24 स्टूडेंट अगर आप लेके आते हैं हमारे पास, 1,400 रुपए के जो कोर्स है हमारा उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे पास 24 × 1,400 33,600 रुपए का बिजनेस आता है, जिसमें आपका 75% कमीशन है, तो 25,200 रुपए आपके वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 24 स्टूडेंट का एक रिस्क है जिस पर आप अपना लगाया हुआ पैसा पूरा बाहर कर सकते हो। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए बिजनेस फ्री, और जो भी कमाओगे उस पे सारा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस टू बिजनेस अगर काम करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि मेरी टीम बने, मैं तो काम कर रहा हूं उस पर मुझे अर्निंग मिल ही रही है, बट मेरी एक टीम बने जिस पर अगर वो भी काम कर रहे हैं और उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह की टीम प्लान अवेलेबल है। टीम प्लान किसको कहते हैं हम? सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी,
जोनल मास्टर फ्रेंचाइजी और स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी। सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी वो कहलाती है कि एक सिटी हो गया, आप किस सिटी से हैं सर, कोलकाता आपका शहर कौन सा है? कोलकाता शहर है। ओके, कोलकाता अपने आप में एक मेट्रो सिटी है सर। तो मेट्रो सिटी के हमने पार्ट्स कर रखे होंगे, लगभग उसके तीन पार्ट होंगे जहां तक मुझे पता है। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल हो गया और वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं जोन कोलकाता में, है ना? तो उस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक सिटी में बने हुए हैं कोलकाता में, क्या ऑलरेडी है? जोन बने हुए हैं, मतलब हमारे तरफ से हमारे हाँ सॉफ्टवेयर पे बने हुए हैं पहले ही, कि हमने हाँ कोलकाता को कैसे डिवाइड किया है, क्योंकि उसकी शायद पॉपुलेशन ही ढाई ढाई करोड़ है, सॉरी 1.5 करोड़ है सिर्फ कोलकाता कोलकाता की, राइट? तो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो एक सिटी में नहीं दे सकता, वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है? तो उसको हमने टुकड़ों में बांट रखा है कि एक टुकड़ा कोई और पर्सन ले सकता है, दूसरा कोई और ले सकता है, तीसरा कोई और ले सकता है। अगर एक जना ही लेने की कैपेसिटी रखता है तो वो भी ले सकता है। उसका प्राइस मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे क्या रहेगा। तो कोलकाता शहर में जो भी पर्सन हमारे साथ में जुड़ेगा तो वो पूरे इंडिया में कोर्सेज सेल कर सकता है। पहली बात तो एक एरिया बाउंडेशन नहीं है कि कोलकाता में लिया है तो कोलकाता में ही सेल करेगा तो ही पैसा मिलेगा आपको, नहीं। कोलकाता में रहकर पूरे इंडिया में मार्केट किया जा सकता है हमारे कोर्स को, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। कोलकाता में तो करो ही करो आप, और पूरे इंडिया में भी और मार्केट करो इसको, ठीक है? तो उससे क्या होगा, अपने पास अपने नोन रहते हैं पूरे इंडिया में, कहीं ना कहीं होगा, और डिजिटली कहीं पहुंचने के लिए कहीं अपने को जाने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में पहुंचा जा सकता है। तो मान लेते हैं कोलकाता कोलकाता में 100 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 100 डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे इंडिया में कोर्स सेल करने का काम शुरू किया, ठीक है? तो सब जितने भी कोर्स सेल करेंगे तो सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी को उसके काम पर 5% का रेवेन्यू आएगा, ठीक है? अब सिटी की मैं ठीक बात है, कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। कोलकाता सिटी, कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो कोलकाता के बाद में जैसे पास के छोटे मोटे टाउन है तो वो भी इंक्लूड जाएंगे इसके अंदर, वो भी अब सेपरेटली सिटी के रूप में जाएंगे और इसके अंदर इंक्लूड जाएंगे। तो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी इस तरह से शो करते हैं अपन कि छोटे छोटे सिटी भी इसके अंदर आ गए, और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक? एक जोनल फ्रेंचाइजी क्या हो जाती है, कोलकाता और प्लस आसपास के दो डिस्ट्रिक्ट, तीन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के हम एक जोनल फ्रेंचाइजी बनाते हैं। तो इसका जोनल एक हेड होगा, इनको भी 5% का प्रॉफिट जाएगा उसके अंडर में जितने भी लोग हैं वो, अगर वो काम कर रहे हैं तो। सिमिलरली एक स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे उनका सिटी को भी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को भी जाएगा, जोन को भी जाएगा और स्टेट को भी जाएगा कमीशन, और सबका कॉमन कमीशन है 5-5% रहेगा, और बाकी जो मल्टीपल कोर्सेज हैं उस पे थोड़े अलग अलग परसेंटेज, ठीक है? इसमें अर्निंग कैसे होती है, तीन तरह से अर्निंग होती है। पहली अर्निंग होगी आपने सेल्फ कोर्सेज सेल करे, हमारे पास जितने भी कोर्सेज है आपने खुद ने सेल करे तो आपको बढ़त में कमीशन मिलेगा। जैसे मान लो आप सिटी लेवल पे हो और आपने कोर्स सेल किया है मेमोरी ट्रेनिंग का, तो आपको 50 नहीं 55% मिलेगा, ठीक है? ठीक दूसरा, अगर टीम वर्किंग करती है तो मतलब आपके अंडर में अगर टीम है और वो काम कर रही है तो उस पर वो बैठे बैठे इनकम होती है। और ब्रांच ओपनिंग कमीशन, पूरे इंडिया में आप कोई भी ब्रांच ओपन करा सकते हो तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है? अभी कमीशन पूरी जो टेबल है उसको जान लेते हैं। पांच ओपन मतलब ब्रांच ओपनिंग ये हो गई कि जैसे आपने फ्रेंचाइजी के बारे में किसी और को बताया और वो इंटरेस्टेड हो गया फ्रेंचाइजी लेने में, तो फ्रेंचाइजी लेना हमारा कोर्स सेलिंग का जैसा काम नहीं है, फ्रेंचाइजी कोई कोई लेता है, हर कोई नहीं ले सकता, ठीक है? आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपने 4 जनों को और बताया तो 4 में से 1 इंटरेस्टेड हो गया, 3 जनों ने कोर्स ले लिया, कोर्स बेचोगे तो आपको 55% मार्जिन हो गया, और अगर सिटी हो तो। और अगर ब्रांच ओपनिंग करा दी, मतलब फ्रेंचाइजी खोल दी, चाहे आपके कोलकाता में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो आपको ओके 15% कमीशन मिल जाएगा। अभी मैं इसको समझ, कितना 15% 15% मतलब वही पच्चीस एट हजार ए कोई टाइम बता है, जितना, वही 25,000 का हाँ उनका बिजनेस वैल्यू का नहीं। बिजनेस वैल्यू का नहीं, ओके बिजनेस वैल्यू का तो बाद में है, वो तो 5% मिलता रहेगा अगर आपके कोलकाता में है तो। हाँ, कोलकाता में है आपके, तो वही मिलता हाँ रहेगा, कोलकाता बाहर में होगी अगर तो नहीं मिलता नहीं सर, है तो नहीं मिलेगा, हाँ कोई वो दूसरे तो को वन टाइम मिलेगा। एंडिंग होती है वो, फिर उनके सिटी हाँ हेड को मिलेगा, ठीक है?
तो फ्रेंचाइजी फीस है उसके अकॉर्डिंग में बात कर लेता हूँ, बट कोलकाता का अलग रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मेट्रो सिटी है तो उसका प्राइस अलग होगा। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्राइस है हमारे सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी का 1.5 लाख रुपए है, डिस्ट्रिक्ट का 2.5 लाख रुपए है, जोनल फ्रेंचाइजी अगर कोई लेता है तो 5 लाख रुपए है, कोई कंप्लीट स्टेट लेता है तो मैक्सिमम प्राइस हमारा 30 लाख रुपए है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसिंग है, तो पूरी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो आप डिमांड कर सकते हैं अगर स्टेट प्लान का आपके कुछ प्लानिंग है तो। पॉपुलेशन वाइज ये वेरी करती है सारी चीजें, सिटी में हम 1.5 लाख रुपए में 5 से 8 लाख तक की पॉपुलेशन देते हैं, 5 से 8 लाख लोगों तक की पॉपुलेशन इसमें आती है, डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 लाख तक की पॉपुलेशन आती है, जोन में 40 से 60 लाख तक की पॉपुलेशन आती है, और स्टेट कंप्लीट रहता है, स्टेट की प्राइस अप डाउन कर दी हमने बट स्टेट कंप्लीट ही मिलेगा, उसमें जितने भी लोग काम करेंगे स्टेट को कमीशन मिलता रहेगा। अब कमीशन मार्जिन की बात कर लेते हैं, तीन तरह की एंडिंग बताई थी मैंने, सेल्फ कोर्स सेलिंग, आप अगर खुद से कोर्स सेल कर रहे हैं तो 55% सिटी को मिल जाता है, 60% डिस्ट्रिक्ट को मिल जाता है, 65% जोन को मिल जाता है, और 70% स्टेट को मिल जाता है, ठीक। दूसरी अपन इनकम की बात करते हैं कि आप अगर टीम बिजनेस की बात करें, आपकी अगर आपकी टीम है तो 5% सभी को इक्वल है, 5-5% का गैप जो है उनको मिलता रहे टीम के काम का। अगर मैं ब्रांच ओपनिंग की बात करूं तो अलग अलग कमीशन है, 15, 17, 19 और 21। अब मान लेते हैं कोई स्टेट पर्सन है, उसने जोन ओपन कराया, जोन वाले ने डिस्ट्रिक्ट वाले को ओपन कराया, और डिस्ट्रिक्ट वाले ने सिटी ओपन कराया, हमारा कहीं रोल नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है, उन्होंने खुद ने ही किया सारा काम, और फिर जब ये डिफरेंस मार्जिन होगा ना वो उन्हीं को जाता रहेगा। जैसे मान लेते हैं सिटी वाले पर्सन ने एक फ्रेंचाइजी ओपन करी 25,000 रुपए की, तो उसका 2% जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, 2% जाएगा जोन को, 2% जाएगा स्टेट को, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ अब इसमें कितने कितने लोग अलाउ होते हैं ट्रेनिंग के लिए जो फ्री है, बिल्कुल ऐसे लोग तो आप भेज सकते हैं, एक लिमिटेड रहता है, डबल तक के हम चांसेस देते हैं कि डबल आप भेज सकते हैं, बट जो एक्स्ट्रा आएंगे उनका रहना खाना आपकी तरफ से होगा, पेड होगा मतलब। तो 3 जनों का रहना खाना यहाँ पे ट्रेनिंग लेना फ्री है, डिस्ट्रिक्ट में 4 जनों का है, जोन में 5 जनों का है, और स्टेट में क्योंकि बड़ा प्लान होता है और लोग चाहिए होते हैं हैंडल करने के लिए, तो 10 लोगों को हम कंप्लीटली ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, 10 लोगों की इसमें ट्रेनिंग रहती है, उसमें रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से। रिवॉर्ड बैलेंस, जल्दी ब्रेक इवन लाने के लिए इसमें भी रिवॉर्ड बैलेंस रहता है, जब सेल्फ आप कोर्सेज सेल कर रहे हो तो 75% बताया था वहां पे, तो यहाँ पे 2.5-2.5% ऐड होता जाएगा, क्योंकि एक छोटा उसमें ऐड 2.5-2.5% ऐड होता जाएगा, तो 77.5% आपको यहाँ पे मिलेगा, 80% यहाँ मिलेगा, और इस पे मिलेगा 82.25, और यहाँ पे 85% मिलेगा मार्जिन, तो 70 की जगह 85 हो गया, इसकी जगह 82.5 हो गया, इसकी जगह 80 हो गया, इसकी जगह 77.5 हो गया, तो एक मैक्सिमम कमीशन आपको मिलता रहेगा रिवॉर्ड बैलेंस के रूप में, ठीक है। अब एक एक्सपेक्टेड आरओआई अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊं आपको, वैसे तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद भी देख सकते हैं, पीपीटी आपको मिल जाएगी तो समझ में आ जाएगा, जो भी एक अंदाजा लगा करके हमने माना है कि इतना अगर हो जाता है काम, 20 लाख का बिजनेस हो जाता है तो 55% के हिसाब से एक साल में ये रेवेन्यू क्रिएट होता है, ठीक है। आपकी टीम में अगर मान लेते हैं मेरे सिटी में 100 ही लोग हुए, 200 लोग हुए, 500 लोग हुए, और स्टेट में 1,000 लोग हो गए, तो 5-5 लाख का भी बिजनेस करते हैं साल में, तो 5-5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ और 50 करोड़ का बिजनेस होता है, तो 5-5% के हिसाब से एक बड़ी इनकम आपको यहाँ मिलती है, ये इसमें टाइम लगेगा, अभी एकदम से ये सब चीजें मिलना शुरू नहीं होगी, साफ बोलते हैं हम पहले ही, अगर मेहनत करेंगे आप भी मेहनत करेंगे हम भी मेहनत करेंगे, ब्रांचेस ओपन होगी, ब्रांचेस काम करेगी, देन ये रेवेन्यू आएगा, इसमें समय लगेगा, ठीक है। ब्रांच ओपनिंग 100 ब्रांचेस एक साल में इजीली ओपन की जा सकती है 1% के थ्रू, हमारे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं एक एक पर्सन एक एक 100 ब्रांचेस एक साल में ओपन करते हैं, और आसानी से करते हैं क्योंकि 365 दिन है, तो 3 दिन में एक ब्रांचेस आराम से क्लोज होती है रेगुलरली बात की जाए तो 100 लोगों से अगर मैं मान के चलूँ कि 100 ब्रांच ओपन करनी है आपको एक साल में, और आपका 15% कमीशन है, और 25,000 की मानी मैंने तो ब्रांच, तो 25 लाख का बिजनेस आप क्रिएट करके देते हैं हमें, और 15% के हिसाब से 3,75,000 रुपये आप यहाँ से कमाते हैं सिटी के रूप में, ठीक है।
तो टोटल इनकम आपकी लगभग 1.5 लाख रुपए लगाकर 40,000 लाख रुपए तक की इनकम आपकी यहाँ पे होती है, और 30 लाख रुपए लगाकर स्टेट में आपकी लगभग 2 करोड़ 70 लाख तक की इनकम होती है, ये एक्सपेक्टेड है। हेलो, हाँ हाँ अब वो नींद आ रही है शायद थोड़ी लंबी हो गई पीपीटी, क्योंकि पूरी चीज समझानी है तो समय लगेगा ही। ठीक है, ऊपर मैंने बात करी थी आपसे दो तरह के कामों की, जिसमें मैंने एक तरह का काम आपको बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर में आपको क्या लगेगा, 25,000 रुपये आप जो पे कर रहे हैं तो 25,000 में डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि मुझे तो पढ़ाना पसंद है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर तो चलो बन जाऊंगा, मेरे को पढ़ाना है, पहले मुझे वो बताओ कि पढ़ाना है मुझे तो, और पढ़ाने पे मेरे को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या देंगे, आपको कंप्लीट 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे रिकॉर्डेड माध्यम से, इसमें 7 दिन तक आपको सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर 8वें दिन आपका एक जूम मीटिंग रखेंगे मेमोरी एक्सपर्ट, जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं उनके साथ में। तो 7 दिन में आपको जो भी समस्या आई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपने उनसे पूछ ली और वो सारी सॉल्व करके आपने कंप्लीट एक 1-to-1 सेशन हो जाएगा आपका नवीन सर के साथ। फिर उसके बाद क्या आता है, अजमेर आते हैं आप 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाती है सारी चीज की, समझ में आ जाते हैं मेथड, डेमो कैसे देना है, बच्चे कैसे लाने हैं, सेल्स और मार्केटिंग के भी कुछ टैक्टिक्स समझ में बता देते हैं। इसके बाद में 12 दिन का, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाने के बाद में आपका 12 दिन का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते हम, ये हम देते हैं सिर्फ ट्रेनर को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का सिर्फ ये पता लगाना है कि मेथड्स काम करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आ जाता है हाँ मेथड तो काम के हैं, अब मुझे इसको सेल कैसे करना है, तो सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम उनको देते रहते हैं। पर यहाँ पे ट्रेनर को पढ़ाना भी है, ट्रेनर का काम क्या होता है, ट्रेनर पढ़ाएगा भी, तो उनको तो कंप्लीट जानकारी जाननी बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस सेशन करना होता है उनको, पूरा कंप्लीट करना होता है। 12 दिन का प्रैक्टिस सेशन मिलता है, जिसमें कंप्लीट करते 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 मेथड सीखते हैं वो कंप्लीट। उसके अलावा हम सेशन फ्लो देते हैं, मतलब कोर्स पढ़ाने के लिए आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बने बनाए पीपीटी, बने बनाए एग्जाम्पल्स, बने बनाए सारी चीजें हम आपको देते हैं, आप आगे बच्चों को वो पढ़ा सकते हो। संडे टू संडे पढ़ाना है, 6 महीने की क्लास होती है, वो आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड में है। रहना खाना यहाँ पे फ्री होता ही है, सेल्स एंड मार्केटिंग की इमेज मिल ही रही है, सर्टिफाइड कर रहे हैं एज ए ट्रेनर, और वेबिनार सपोर्ट है, ये उसमें भी कॉमन था इसमें भी कॉमन है, जिससे कि आपको वैल्यू मिलती रहे इस चीज की। अगर एज ए ट्रेनर वर्क स्टार्ट किया जाता है तो आप अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन करते हो, चाहे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप चाहे तो खुद का कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हो, या फिर किसी चलते हुए कोचिंग सेंटर जहाँ पे संडे को सिर्फ छुट्टी होती है तो वो बोरो कर सकते हो 1-2 घंटे के लिए। तो साल महीने का किराया लेगा वो आपसे 4 क्लासेस का, और कम से कम प्राइस में आपका रेवेन्यू निकल जाएगा। 6 मंथ की कोर्सेज होंगे इसके अंदर, 6 महीने का कोर्स होगा, 6 महीने में आपको सिर्फ 24 दिन पढ़ाना है, और 24 दिन का ये अपन पूरा सेशन फ्लो देते हैं आपको, 24 दिन किस दिन क्या पढ़ाना है और सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है, संडे या वीकली क्लासेस। आप बोलते हो संडे को नहीं पढ़ाते, मैं सैटरडे को पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे फिक्स कर लो बच्चों के साथ मिल करके, और सैटरडे को उस बच्चे को वहां पे बुला लो आप। 25 जनों से ज्यादा का बैच नहीं होना चाहिए, वैसे तो 20 ही रखे तो ज्यादा बेहतर है, पर 25 हम मान के चलते हैं कि 25 तक आप एक एक को पे ध्यान दे पाओगे। फीस जो होगी 6 महीने की 24 क्लासेस की, वो 10 से 15 हज़ार रुपये हो सकती है, और कोलकाता में तो आप आसानी से ले सकते हो 10 से 15 हज़ार। ठीक है, अगर आपको लगता है शुरू में कुछ ऑफर देने हैं तो आपके ऊपर है, क्योंकि फीस में से कुछ भी मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, जो फीस लेनी है वो आपकी, जो खर्चा लगाना है, जितना खर्चा करना है वो आपका। ठीक है, आपको तो मैंने चीज सिखा दी, मेथड सिखा दी है, उसका पूरा एक तैयारी करके दे दी, कब क्या कैसे पढ़ाना है सब कुछ आपके पास है, आप जो भी फीस लोगे वो आपकी होगी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर उसको कोर्सेज बेचना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज लेकर के उन्हें दे सकते हो, तो प्रैक्टिस के लिए हो गया, आपके मेथड सेल करने के बाद में उसको बच्चे को जरूरत पड़ेगी ना प्रैक्टिस की, तो अपने पास हो सकता है आपके पास 10th का स्टूडेंट आ गया तो बायो के डायग्राम उसका कोर्स दे सकते हो, 9th का आ गया तो बायो के डायग्राम का कोर्स दे सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जो एडवांस मेमोरी ट्रेनिंग वाला कोर्स बना रहे हैं दीपक सर वो दे सकते हो, या जीके न्यूमेनिक्स वाला जो कोर्स है हमारा वो दे सकते हो। तो अपने पास ऑप्शंस 4-5, अभी तो 4-5 अवेलेबल हैं और बन रहे हैं, तो हिस्ट्री वाला जैसे ही कोर्स आ जाएगा तो हिस्ट्री वाला कोर्स दे दिया आपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेथड अप्लाई करने के बाद हर कोई बच्चा खुद से इम्प्लीमेंट अगर कर नहीं पा रहा है तो हेल्प करने के लिए आपको कोर्स देने पड़ेंगे। ठीक है,
इस तरह से क्लासेस चलती है। हमारे जो सेंटर थे पहले, मतलब चल रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में, तो इस तरह के सेंटर हैं वो। बहुत अच्छी डिजाइन भी कराते हैं कई लोग, कुछ पोस्टर्स लगवाते हैं, तो पोस्टर्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे, तो आप प्रिंट करवा के वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, ट्रेनर फ्रेंचाइजी भी सेम फ्रीज है, 25,000 रुपये में आप ट्रेनर बन सकते हो हमारे, जिसमें आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाती है और आप अपना सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आ जाता है, अगर आपको दोनों ही बिजनेस करने हैं, ट्रेनर भी बनना है डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है, तो उसको कहते हैं हम ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइज। ई कंसल्टेंट में दोनों प्लान का एक कॉम्बो आ जाता है ऊपर, जो भी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटर में अलग और ट्रेनर में अलग, वो दोनों मर्ज हो जाएगा, दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी। और इसमें आप 2 पर्सन सॉरी 2 पर्सन आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए, 1 पर्सन लिखा हुआ है, बट ऑफर में रहता है 2 पर्सन का। तो मैं ऑफर अभी से ही आपको ये चीज का दे रहा हूँ कि 2 पर्सन अगर मई तक आ रहे हो, तो आप मई के एंड तक, आप अगर मतलब मई वाली ट्रेनिंग में अगर आ सकते हो, तो अभी 2 पर्सन का ऑफर निकाल रखा है हमने। ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी की प्राइस डबल नहीं है, आपको सिर्फ एड ऑन करना है 10,000, और 35,000 में आपका दोनों प्लान आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर दोनों ही ले रहे हैं तो एक बस कोड करने के दे रहे हैं, ट्रेनर लेते हो तो सिर्फ कोड नहीं होता है आपका, और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, और अगर वो ले रहे हो तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। दोनों प्लान लेने वालों के लिए अपन सिर्फ 35,000 में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। इसकी आरओआई समझ 10 लाख तक की है, तो अगर मैं 100 बच्चों की बात करूं और 10,000 फीस रखूं, या फिर, तो आपका 10 लाख रुपए का इनकम निकल के आती है। ठीक है, ये था ओवरऑल अभी तक का सारा जो प्लान्स है। अब इसमें कोई सवाल हो आपका बिजनेस से रिलेटेड, आप कैसे करेंगे क्या करेंगे, प्लानिंग हो तो वो मुझे बताएं। अभी तक का देख ये करके आपको क्या समझ में आया और कैसे वर्क करने का मन में आ रहा है? जो ट्रेनिंग है, मतलब कि ये ट्रेनिंग नहीं, वो ट्रेनर है, वो हाँ तो ये 6 महीने का तो कोर्स के लिए 6 महीने का होता है, 24 क्लास होता है, 24 क्लास होता है। 24 क्लास। इसको क्या ऑनलाइन में किया जा सकता है? किया जा सकता है, अगर आप ऑनलाइन बैच बनाने में कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली ये ऑनलाइन भी किया जा सकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपर्ट आपका होगा और स्टूडेंट मेरा होगा, और है। ये मैं और डिजिटल और क्लासरूम तो में, आपको ऐसा क्या डिस्ट्रीब्यूटर हो पड़ गया सकता है? सर, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा ये चीज। डिस्ट्रीब्यूटर प्लान है ना, उसके अंदर हम लाइव हाँ, क्लासेस लाने वाले हैं, जैसे रिकॉर्डेड लाने वाले क्लासेस हैं। अभी। हाँ, अभी लाइव क्लासेस का हमारे पास ट्रेनर की गुड प्रोडक्ट मिलेगी आपको, तो गुड वो क्या लेते हैं, 5,000 उनकी फीस है 6 महीने के कोर्स की। 5,000 में वो लाइव ट्रेनिंग देंगे 24 दिन की, तो आप स्टूडेंट प्रोवाइड कीजिए 5,000 में, और उनकी लाइव ट्रेनिंग हो जाएगी। वो हमारे साथ ट्रेनर जो टाई अप है वो 40% पे है, तो 2,000 रुपये उनके पास जाएगा, जो 3,000 रुपये बच रहा है उस पे शेयरिंग होगी अपनी 50-50। ओके हाँ, एक चीज हमने उनसे डिस्कस करके एक और चीज करी है कि कई लोग होते हैं रिच, जो पर्सन होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, उनके लिए अपने पास अभी तक कुछ नहीं था, तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने बोला कि पर्सनल लोग चाहते हैं कि पर्सनल में मेमोरी ट्रेनर उन्हें मिल जाए, पर्सनल एक गाइड मिल जाए जो मेमोरी इस पे ट्रेन कर सके। तो उसका अभी फीस जो हमने रखा है वो 20,000 रुपये रखा है, 1 साल तक पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को, मेमोरी की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, मेथड्स में अपन फ्यूचर में उसको वो हेल्प भी करेंगे अप्लाई करने में मेथड्स। 1 साल का 20,000 रुपये लेंगे, उसमें आपका कमीशन भी रहेगा। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है कुछ, जैसे नेक्स्ट मंथ की, इस बार का बैच बहुत अच्छा गया था, तो नेक्स्ट मंथ का जो बैच बन रहा है उसके लिए 10% ऑफ निकाल रखा है हमने। 10% ऑफ सिर्फ 2 प्लान पे है, ट्रेनर वाले प्लान पे नहीं है, क्योंकि ट्रेनर पे हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठ पाती इतनी। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप वन शॉट पे करते हैं या फिर इस मंथ के अंदर कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 22,500 का ये प्लान पड़ेगा आपको।
ठीक है, हाँ या फिर ई कंसल्टेंट लेते हैं तो 31,500 का ये प्लान पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ऑफर और चल रहा है अर्ली भी, मतलब इस मंथ में आप सोचते हो कि मैं वन शॉट ही पेमेंट कर दूं, कोई भी बुकिंग नहीं करानी मुझे, मेरे को 5,000 10,000 डाल करके मेरे को एक साथ ही पूरा पेमेंट कर देता हूँ, तो उस केस में आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा और ट्रेनर पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे वन शॉट पेमेंट करते हैं 25 का 25, 25 नहीं करना पड़ेगा आपको, 20 ही करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अगर ट्रेनर पे मैं जाता हूँ तो ट्रेनर पे आपको 10% ऑफ करके 22,500 ही करना पड़ेगा, और ई कंसल्टेंट पे जाते हैं तो 28,000 ही आपको पे करने हैं। ठीक है, ये वन शॉट करते हैं तो ही है, अगर आप पार्ट कर दिया, इसको टुकड़ों में कर दिया आपने पेमेंट, अगर एक दिन से अपन दूसरे दिन पे चले गए तो इस वाले ऑफर पे आ जाएंगे आप। ठीक है, बड़े प्लान पे इस मंथ 90 डेज का टाइम मिल जाएगा आपको, 10% से बुकिंग कर सकते हो और 90 दिन में आपको कंप्लीट पेमेंट करना है। जैसे ही 40% पेमेंट आ जाता है हम सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक बार वही ये नीचे। हाँ, और एक ये थोड़ा वाला सा हाँ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 20,000 दिया, हाँ उसके बाद क्या मैं उसको ही सिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट ही देना होगा कोई भी प्लान में हो तो। आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्टेंट बनना है तो भी आपको डिफरेंस ही देना है, बट एक्चुअल प्लान का डिफरेंस, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डिफरेंस, डिफरेंस ये वाला काउंट होगा। ये वाला हाँ ये वाला डिफरेंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने डिसाइड अभी इस प्लान के लिए किया तो डिफरेंस यहाँ वाला काउंट होगा, तो रिमेनिंग नहीं, आपको 10 और देना है। हमने कर पेमेंट ए वाला में किया, सॉरी, वन शॉट में किया पेमेंट। वन शॉट में तो फिर एक तो पेमेंट आ चुका है 25,000 के रूप में अपने पास, 20,000 रुपए, ये हाँ तो वन शॉट तो कहलाएगा नहीं। हाँ डिफरेंस अगर उस टाइम का ऑफर उस टाइम देखेंगे, देखिए उस टाइम आप वन शॉट पे करते हैं अगर मैं दिलवा पाऊंगा तो डेफिनेटली दिलवाऊंगा, अगर उस टाइम के ऑफर नहीं होंगे तो डिफरेंस गैप आपको पूरा देना पड़ेगा। हाँ विद इन अ मंथ अगर बात कर रहे हैं आप तो सेम ऑफर है ये, आप इसी मंथ डिसाइड करते हैं तो सेम मिल जाएगा आपको, 20% वाला जो ऑफर है ना बड़े प्लान पे वो भी मिल जाएगा। नहीं, मैं सोचता था कि ये 20 से लेकर और एक काम शुरू कर देते हैं, हाँ उससे जो आएगा उसके बाद ये बड़ा में शिफ्ट आराम से आराम कर से, सकते हैं। और जब आने लग जाएगा तब तो आप देखोगे ही नहीं 10-20 हज़ार रुपए, मैं जानता हूँ ना, जब पैसा आने लग जाएगा तो आप 10-20 हज़ार थोड़ी देखोगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। सब लोग ऐसे ही करते हैं, से छोटे से शुरू करके जब काम शुरू हो जाता है इजीली, अपने को इसकी इजीनेस पता चल जाती है कि कितनी आसानी से किया जा सकता है उसके लिए। हाँ इजीली अगर किया जा बोलिए। सकता है, उसकी इजीनेस अगर पता चल गई आपको कितनी आसानी से आप आगे ग्रो कर सकते हैं तो आप खुद ही इन्वेस्ट कर देंगे बाकी में। और सेमिनार सपोर्ट इसमें रहता है, बड़े प्लान में जैसे ही जाएंगे ना सेमिनार सपोर्ट ऐड हो जाएगा, तो सेमिनार आप करवा सकते हैं B2B या B2C के, तो नवीन सर का रहना खाना मतलब आपका अकोमोडेट सॉरी ट्रेवल का आपको पे करना होता है, बट नवीन सर फ्री आकर के आपके लिए सेमिनार करते हैं, तो B2C भी हो सकता है B2B भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है क्या करवाते हैं। ये नवीन सर का आने का मतलब, आना जाना मतलब, वही फ्लाइट तब हाँ फ्लाइट से अगर मानते हैं कहाँ कि से आएगा? हाँ वो पेड रहेगा आपकी तरफ से, पर उनकी जो फीस है वो जीरो हो जाएगी अगर बड़े प्लान पे आप हो तो, जैसे सिटी आप फ्रेंचाइजी हो तो उसकी फीस नहीं लगेगी, उनका बस कन्वेंस आप पे करेंगे और वहां से बिजनेस निकाल के देंगे।
आना जाना और ये रहना, स्टे, स्टे तो ज्यादा देर होगा स्टे नहीं, स्टे। ठीक है, इवेंट से 2 3 घंटे पहले आएंगे और हुँ। हुँ। 1 1 घंटे बाद निकल जाएंगे, तो स्टे का तो कुछ इतना है नहीं, बस हाँ ट्रेवल यस का रहता है थोड़ा बहुत। अब वो डिस्टेंस भी है तो ट्रेवल का थोड़ा आपका ज्यादा रहेगा, बट ठीक है रेवेन्यू इतना निकल जाएगा। सेमिनार का पॉइंट, आएगा क्या, आएगा कि क्या आदमी से सॉरी ये शहर आएंगे कहाँ से? मैं समझा नहीं। अच्छा उदयपुर मतलब राजस्थान से आएंगे सर? राजस्थान से। हाँ। अच्छा एक चीज और रह रही थी बड़े प्लान के लिए, कुछ चीजें भी इसके अंदर हम फ्री देते हैं जिससे कि आप मार्केटिंग इजीली कर पाए, तो वो बता देता हूँ आपको। सिटी में स्टैंडीज में मिलती है, पैम्पलेट मिलते हैं, बैनर होता है, विजिटिंग कार्ड मिल जाते हैं आपको, आईडी कार्ड मिलता है आपका खुद का जिससे कि आप जा सको, मर्चेंडाइज बैग मिल जाएगा, फिर लोगो लगा होगा बैगलेस का, टी शर्ट मिल जाएगी जिसको पहन के आप जा सकते हो, मेमोरी का एक किट मिल जाएगा आपको जिससे कि आप ये सारी चीजें दिखा सकते हो, जैसे बुक्स वगैरह हो गई जिसमें मेथड्स हैं, तो बुक आप दिखा करके टीचर को अच्छे से बता पाओगे कि क्या मेथड्स है, मैं ट्रेनिंग के बाद में आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। टैबलेट, एक टैबलेट आपको फ्री मिलेगा जिसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल होगा और ऐप दिखा पाओगे आप, ठीक है। सिटी में प्रोजेक्टर और लैपटॉप नहीं है, ये बड़े प्लान में ही है फ्री, तो अगर आपके पास स्टेट ले रहे हो और मतलब आपको लैपटॉप भी चाहिए तो आपको लैपटॉप हमारी तरफ से मिल जाएगा, प्रोजेक्टर मिल रहा है, टैबलेट मिल रहा है, अलग अलग चीजों पे अलग 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 लेवल पे। ठीक है इसका पीपीटी मैं भेज दूंगा आपको, तो और आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। छोटे प्लान में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देते हैं, ये जो हार्ड मटेरियल हम दे रहे हैं ये छोटे प्लान में नहीं देते, सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप खुद से विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हो, आईडी कार्ड तो नहीं मिलता इसके अंदर, बैनर आप छपवा सकते हो, हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी बना के दे देंगे आपके नाम नंबर के साथ। वापस आ जाते हैं अपन इस पे, जो भी एक बार समझ लेते हैं। ये अकाउंट डिटेल्स है, तो ये चाहे तो आप इसका ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर निजाम सर से मांग लेना, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, तो है। 9,000 से आपको इसका बुकिंग प्रोसेस ये रहेगा कि अगर आप कोई भी प्लान लेना चाहते हो तो उसका अमाउंट आपने पे कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है सबसे पहले निजाम सर को, उसके बाद में सेकंड आपको भेजना है आधार कार्ड, केवाईसी आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन मार्कशीट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म आपको फिल करना है और उसकी फोटो क्लिक करके हमें सेंड करना है, ठीक है। ठीक और कोई सवाल आपका? नहीं, ठीक ऑल डन सेट, ठीक है चलिए। ठीक है, सोच तो लेते हैं, जो भी, देख हाँ लेते मैं हैं हम। निजाम सर से बात करके आजकल में जब भी करना हो आपको बता दीजिएगा उन्हें, ठीक है। ओके नाइस ठीक है, टू मीट यू, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, ये सेम टू यू। ट्रेनिंग करूंगा आपसे कि ट्रेनिंग में मिले, लास्ट बैच की फोटोग्राफ जरूर मांग लीजिएगा, काफी अच्छा बैच गया था, वीडियोस भी पड़े होंगे इनके पास जिसमें लोगों ने काफी इंजॉय किया ट्रेनिंग में। अभी 9-10 को हुई थी ट्रेनिंग, नेक्स्ट मंथ भी शायद 10 के आसपास ही है, फर्स्ट सेकेंड वीक में हम मंडे ट्यूसडे को ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट मंथ की ट्रेनिंग में आना है तो पहले ही डिसाइड करके रखिएगा सारा कुछ, क्योंकि टिकट्स वगैरह करने रहेंगे तो वेटिंग वगैरह आती है फिर, इसलिए जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, ठीक है। ठीक है, चलिए। ओके।